तो यहाँ कैंप ग्राउंड तो पहुँच गए हैं, बट ऑफिस में कोई है नहीं इस वक्त। एंड कैंप ग्राउंड तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आज इतनी तेज धूप निकली हुई है यार। आज तो रात को जबरदस्त व्यू होगा बेडरूम से, पूरा पीछे जंगलों का। सीरियसली मुझे याद भी नहीं है कि इतना स्ट्रांग रेनबो कब देखा था लास्ट। एंड दो रेनबो बने हुए हैं, एंड इस वक्त लैंडस्केप और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि सारे पेड़ों की रिफ्लेक्शन आ रही है लेक में। तो फाइनली बॉनफायर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फायर स्टार्टर मैंने वहीं से ले लिए थे जहाँ से आरवी रेंट करी थी, ये फ्री में मिल रहे थे, एंड लाइटर है ही। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड स्वागत है आपका एक और व्लॉग में हमारी आरवी सीरीज के, द ट्रिप टू बांफ नेशनल पार्क। बस अभी उठ के फ्रेशन अप हुए हैं, एंड अब वही सारी चीज़ें करनी है जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। आरवी प्रिपेयर करनी है निकलने से पहले, सारे टैंक्स खाली करने हैं, स्लाइड आउट अंदर लाने हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एंड इस कैंप ग्राउंड की जो ओनर है उनका ये इतना बढ़िया कुत्ता है, दो डिफरेंट कलर की आँखें हैं इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। आरवी करते हैं फिर से प्रिपेयर एंड निकलते हैं अपने तीसरे स्टॉप के लिए। आज एक और सिटी में हमें रुकना है ब्रिटिश कोलंबिया की, एंड परसों हम पहुंचेंगे फाइनली बैंफ नेशनल पार्क। सबसे पहले तो ये लाइटें बंद करनी है बाहर वाली, ये रात को सही काम आती है अगर आपको बाहर निकलना है, क्योंकि इतना अंधेरा था बिल्कुल जंगलों में आप कह सकते हो। हमें बस सामने एक रिवर जा रही है, खाना तो कुछ बनाना नहीं है, तो ये प्रोपेन टैंक पहले ही बंद कर देता हूँ। बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो यही है, ये स्लाइड आउट अंदर करने हैं, बट उससे पहले एक बार ज़रूरी होता है आरवी का चक्कर लगाना ताकि कुछ अड़ ना जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पानी का कनेक्शन हटाना है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हटाना है, एंड ये डस्टबिन भी फुल हो गया है, इसका एक्सेस यहाँ से होता है, ये भी खाली करके आना है। अब ये देखना है कि ये कूड़ा कहाँ फेंके। वैसे तो हर कैंप ग्राउंड में इन्होंने डेडिकेटेड जगह बनाई हुई होती है अलग अलग चीज़ों की, जहाँ आपको रिसाइकल वाली चीज़ें फेंकनी है, नॉर्मल ट्रैश यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा। अब स्लाइड आउट अंदर करने के लिए गाड़ी होनी चाहिए इग्निशन पे। लाइटें सारी बंद क्योंकि अब बैटरी पे चल रही है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अगर ये सारी लाइटें ऑन रहेंगी तो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ट टैंक भी खाली कर ही देता हूँ, वैसे तो अभी फुल हुए नहीं है, बट क्योंकि सारा पहाड़ी रास्ता है तो गाड़ी जितनी हल्की हो उतना फ़ायदा है। ये ट्यूब ऐसे अटैच हो जाती है, एंड अब यहाँ से ये दो वॉल्व होते हैं, एक ग्रे और एक ब्लैक, पहले हमेशा ब्लैक खाली करना है उसके बाद ग्रे। सारा व्यू है ब्रिटिश कोलंबिया का, ये बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप है। कल सारा ग्रीन था, बहुत सारी लेक्स थी, एंड आज ये आई थिंक बिल्कुल मेन हाईवे से होके जा रहे हैं, ये हाईवे 1 है। तीन दिन पहले ये जो डॉलरामा से पॉपकॉर्न लिए थे इतने बढ़िया निकले, इतना बड़ा बैग था, पिछले तीन दिन से खा रहे हैं हम, एंड अब दो घंटे का रास्ता रह गया है, एंड आज ऑलमोस्ट सारा हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो टाइम से पहुँच जाएंगे एंड फाइनली कुछ देख पाएंगे। कल तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, एंड ये जो आप सामने देख रहे हो सारे पेड़ वगैरह जले हुए हैं। तो एक महीना पहले ब्रिटिश कोलंबिया में इतनी बड़ी वाइल्ड फायर हुई थी, आई थिंक कनाडा की अभी तक की सबसे वर्स्ट वाइल्ड फायर अभी जाके रुकी है ये 20-25 दिन पहले। अगर मैं एक महीना पहले आता तो ये रोड ट्रिप करने की पॉसिबल नहीं थी, ये सारा ऑरेंज अलर्ट पे था ब्रिटिश कोलंबिया वाला एरिया, पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ जली हुई थी, पूरी पूरी फॉरेस्ट में आग लग गई थी, ये आप देख सकते हो राइट पे सारे पेड़ जले हुए हैं। एक बार रास्ते में रुके हैं क्योंकि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया है, सामने डॉलरामा है, पीछे वॉलमार्ट है, तो इस कॉम्प्लेक्स में सब कुछ है। सामने विनर्स है जो कपड़ों का स्टोर होता है जहाँ डिस्काउंटेड रेट पे कपड़े मिल जाते हैं, बट पहले डॉलरामा जा रहे हैं। डॉलरामा पे सही प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती हैं, जो थोड़े बहुत स्नैक्स लेने हैं। पानी ख़त्म है क्योंकि फिर मुझे पता नहीं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएगा या नहीं, क्योंकि जहाँ आज हम स्टे कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक छोटा सा टाउन है, एंड ये वाला डॉलरामा काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो ये बस थोड़ा बहुत सामान लिया है, पानी, थोड़े बहुत स्नैक्स, एंड एक बार वॉलमार्ट भी हो ही आते हैं जो थोड़ा बहुत खाना लेना है। एंड ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसकी आप लोकेशन देखो, बिल्कुल वैली में है, चारों तरफ पहाड़, सामने टिम हॉर्टन्स पॉपॉयज भी है। रोनिका को एक तो कुछ मीठा लेना है खाने के लिए, एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लेता हूँ। US कैनेडा में क्या है कि हेल्दी खाना इतना महंगा है, अगर आपको सब्जियाँ लेनी है, फ्रूट लेनी है, और ये सारा जो अनहेल्दी सामान होता है, पाए, केक,
ये चार चार पाँच पाँच डॉलर में इतनी बड़ी पैकिंग मिलती है, पूरे पूरे कपकेक डोनट, ढाई डॉलर का ये पूरा बॉक्स डोनट का। तो अगर आपको अनहेल्दी खाना है तो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। तो सामान जो जो सारा लेना था ले लिया, अब एक घंटे की ड्राइव बची है। ये थोड़ा बहुत सामान लेना था, ब्रेड, थोड़े बहुत स्नैक्स, पानी, एक ये फ़ोन का होल्डर लेना था क्योंकि ट्राईपॉड में लाया हूँ बट ये ऊपर का माउंट नहीं था मेरे पास फ़ोन के लिए, कई बार रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ कैम ग्राउंड तो पहुँच गए हैं बट ऑफिस में कोई है नहीं इस वक्त, एंड जो फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे फ़ोन मिला रहा हूँ तो कोई उठा नहीं रहा, तो एक बार देख के आना पड़ेगा क्योंकि आपको कैम ग्राउंड में आके पहले रजिस्टर करना होता है, फिर वो पास देते हैं, एंड अभी मैंने पे भी नहीं किया कोई भी, मैं बुकिंग एडवांस में नहीं कर रहा था। एंड कैम ग्राउंड तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आज इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। ऑफिस में तो कोई आया नहीं बट मैंने ऑनलाइन फिर स्पॉट बुक करा दिया, ये 17 मिला है हमें, बस ये देखना है कि इस स्पॉट पे ये सारे स्लाइड आउट ओपन हो जाएंगे कि नहीं। इतना बड़ा स्पॉट नहीं है, मेन पीछे वाले का है, एंड ये भी फुल हुकअप स्पॉट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी सब कुछ मिलेगा आपको, डंपिंग स्टेशन। इसके मैंने $50 दिए, एंड सामने इनके खुद के वॉशरूम्स भी हैं। तो आरवी करते हैं सेट, फिर करेंगे लंच की तैयारी। यार आज तो रात को जबरदस्त व्यू होगा बेडरूम से, पूरा पीछे जंगलों का। एंड वेरोनिका लंच की तैयारी कर रही है, ये हमारे पास गार्लिक नान ऑलरेडी पड़े ही हैं, एंड साथ में हम सोच रहे हैं ये हल्दीराम से दाल मखनी बना लें। एंड ये हल्दीराम की दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होती है। बस अब लंच करके सोचा थोड़ा बहुत ये कैम ग्राउंड देखते हैं क्योंकि बिल्कुल पास में ही लेक है, एंड बाहर निकलते ही देखा इतना सुंदर रेनबो बना हुआ है। एंड यहीं कैम ग्राउंड से आप ये काया एक्सटेंड कर सकते हो या फिर पैडल बोर्ड अगर आपको लेक में कायाकिंग करनी है। प्राइस भी लिखा हुआ है कायाक का, अगर एक घंटे के लिए चलानी है तो $30 एंड पूरे दिन के $90। बट इतनी ठंड में कायाकिंग करने का मन नहीं है, थोड़ी और समर्स होती तो कायाकिंग का मज़ा आता। एंड अब आपको ड्रोन के पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ ये ब्यूटीफुल लेक। सीरियसली मुझे याद भी नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग रेनबो कब देखा था लास्ट, एंड दो रेनबो बने हुए हैं। यूजुअली यू कांट इवन सी अ रेनबो ऑन द कैमरा, राइट? या बट दिस वन इज सो स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल वर्थ इट रहा इस वाले कैंप ग्राउंड पे आना क्योंकि मेरे दिमाग में दो कैंप ग्राउंड थे, या तो हम यहाँ रुक सकते थे या फिर आधा घंटा और ड्राइव करके एक और कैंप ग्राउंड था जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स थे। तो पहले मैं सोच रहा था कि हॉट स्प्रिंग वाले में चलते हैं बट स्टिल आई थिंक वो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होता। एंड आज रात को बॉनफायर करने का बहुत मन है बट हमारे पास फायरवुड नहीं है तो वो अरेंज करनी है। हर कैंप साइट के साथ इन्होंने फायर पिट बनाई हुई है जहाँ पर आप बॉनफायर कर सकते हो। तो अब ये देख के आना है कि लकड़ी कहाँ से मिलेगी, या तो इनके ऑफिस में पूछ के आता हूँ अगर ये बेचते हैं तो। ऐसी ये फायर पिट है हर कैंप साइट के साथ, तो ये बेंच इधर मूव कर लेंगे एंड फिर रात को बॉनफायर एंड ग्रिल कर सकते हैं। अब ऑफिस में पूछ के आता हूँ लकड़ी का इंतज़ाम करने के लिए, वरना आसपास ये जो कैंपिंग कर रहे हैं लोग इनसे पूछना पड़ेगा, किसी ना किसी के पास तो होगी। तो मैं ऑफिस में पूछ के आया एंड लकीली ये यहीं बेचते हैं फायरवुड, $10 का एक बंडल, तो एक बंडल लेके आता हूँ। आई थिंक एक बॉनफायर के लिए काफ़ी होगा एक बंडल। एंड कनाडा की जो ये करेंसी है इतनी सुंदर है, एक तो सारे नोट इनके प्लास्टिक के हैं, इतने कलरफुल से। वो सामने ऑफिस है जो चेक इन के टाइम पे क्लोज था, अब बैठा हुआ है बंदा वहाँ पे। एंड मोस्टली जितने भी सारे अच्छे कैंप ग्राउंड होते हैं सब में बच्चों के लिए प्ले एरिया ज़रूर होता है क्योंकि मोस्टली लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं। तो इस वाले कैंप ग्राउंड की अभी तक लोकेशन बेस्ट है बट फैसिलिटीज़ सबसे पहले वाले में अच्छी थी, पूल, जकूजी सब कुछ था। एंड ये वाले स्पॉट सबसे बेस्ट है अगर ये वाला स्पॉट मिल जाता तो, बिल्कुल पीछे लेक व्यू वाला, बट ये सारे फुल थे। आई थिंक मोर देन इनफ लकड़ी है एक बॉनफायर के लिए, एंड अभी के लिए अंदर रख देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है एंड अगर लकड़ी गीली हो गई तो फिर ढंग से होगी नहीं बॉनफायर। एंड अब जा रहे हैं लॉन्ड्री करने, वो सामने बिल्डिंग में लॉन्ड्री है, सिक्के काफ़ी कलेक्ट हो गए थे तो अब यहाँ पर काम आ जाएंगे।
चार दिन से लॉन्ड्री करी नहीं है। एंड ये मैंने अभी देखा यहाँ पे मिनी गोल्फ भी है खेलने के लिए, ये पता नहीं कि फ्री है या फिर एक्स्ट्रा पेड है। एंड इस वक्त लैंडस्केप और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि सारे पेड़ों की रिफ्लेक्शन आ रही है लेक में। तो लॉन्ड्री है $3 की एंड ड्राइंग $2 की, $5 लगेंगे टोटल हमारे। तो फाइनली बॉनफायर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फायर स्टार्टर मैंने वहीं से ले लिए थे जहाँ से आरवी रेंट करी थी, ये फ्री में मिल रहे थे। एंड लाइटर है ही, आई थिंक स्टार्टिंग में तो इतनी लकड़ी बहुत रहेगी। तो इस फायर स्टार्टर से तो इजीली जल जाती है, एक मिनट लगेगा बस। एंड वुड भी ये बढ़िया वाली है, तो जितने आग जल रही है अंदर थोड़ा बहुत खाने का सामान प्रिपेयर कर लेते हैं। मार्शमेलो वगैरह लाए हुए हम, ये मार्शमेलो हम ऑलरेडी लेके आए थे, इसको बढ़िया ग्रिल करके खाएंगे। तो अब बॉन फायर एकदम बढ़िया जल गई है एंड साथ में ये आरवी में ही पिज्ज़ा बनाया एकदम फ्रेश। डेजर्ट के लिए मैं बना रहा हूँ स्मोर्स। स्मोर्स बेसिकली टोस्टेड मार्शमेलो होते हैं ऐसे क्रैकर्स के बीच में, ये क्रैक जैक जैसे बिस्किट हैं। तो नाउ इट्स अ कुकिंग चैनल, या कुकिंग विद ईशान। तो बस इसे टोस्ट करना है फायर पे एंड नाउ वी विल सी मैजिक। ओके, नाइस एंड ब्राउन, जस्ट हाउ आई लाइक इट। ओके, इट्स फॉर यू। ओके, ओ माय गॉड, गुड। मhm, एंड यू कैन आल्सो add some chocolate inside. Yeah. We don't have it, but it's even better with chocolate.